नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। वाराणसी की जिला अदालत में बुधवार को ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की प्रार्थना पत्र पर जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक ना करने के लिए जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। इससे पहले मस्जिद के ASI सर्वे की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में 18 दिसंबर को कोर्ट में सौंप दी गई थी। ASI ने सील बंद लिफाफे में सर्वे की रिपोर्ट 18 दिसंबर को कोर्ट में जमा की थी। 4 भागों में ASI सर्वे की स्टडी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया गया था। इसी बीच अब इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी का बयान सामने आया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सुभाष नंदन चतुर्वेदी। ज्ञानवापी परिसर का जो 92 दिन सर्वे हुआ था, उस सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। चूँकि बंद लिफाफे में पूरी सर्वे रिपोर्ट दाखिल हुई है। हम लोगों का मांग था, प्रार्थना पत्र था, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मामला सुना था और सुनने के बाद आदेश दिया था, निर्देश दिया था कि आप इसको बंद लिफाफे में आप दाखिल नहीं करेंगे। तो ये मांग हम लोगों की थी कि इसको खुले जो है लिफाफे में बंद न किया जाए, खुले तौर पर इसको जो है दाखिल किया जाए। और चूँकि मुस्लिम पक्ष का भी एक प्रार्थना पत्र था कि इसको बंद लिफाफे में ही रखा जाए और सीक्रेट रूप से इसे सुनवाई हो, पब्लिक डोमेन में इसको प्रसारित न किया जाए। ये मामला उनका कहना था सेंसिटिव मामला है, इसलिए इसको जो है ये और जो भी इसमें पक्षकार हो या जो भी उनके अधिवक्ता अगर इस सर्वे रिपोर्ट की नकल लेना चाहते हैं तो उनसे एक एफिडेविट लिया जाए, या एफिडेविट लेने के बाद इनसे शपथ पत्र लिया जाए कि इसको पब्लिक डोमेन में ये लीक नहीं करेंगे। इसका विरोध हम लोगों ने किया था, इस पर सुनवाई आज होनी है। तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर वकील अनुपम द्विवेदी का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुन। रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है विगत कुछ तिथियों पहले ASI द्वारा, सर्वे रिपोर्ट जो भी थी वो काफ़ी बल्कि रिपोर्ट है और उसको सील्ड कवर में उन्होंने रिपोर्ट को सबमिट किया है। तो उस पर अंजुमन इंतज़ामिया ने कहा एक एप्लीकेशन फाइल किया और कहा कि साहब इसको जो है सीक्रेट रखा जाए और इसको जो है किसी प्रकार से पब्लिसाइज ना किया जाए, और अगर इसको जो प्लेंटिफ्स हैं मतलब हम लोगों को ये अगर देते भी हैं, दिया भी जाए तो अंडरटेकिंग के बाद दिया जाए। तो देखिए इसमें कहना मेरा यही है, इस पर ही सुनवाई होनी है और इस पर हमारी आपत्ति दाखिल हो चुकी है। और इतना सही कहना है कि देखिए ये कोई इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं है और कोई सीक्रेट प्रोसीडिंग नहीं है, तो इसलिए इसको जो है जनता के सामने आने से या किसी तरीके से इसको रोका जाना, ये जो है वैसे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके एसेंस के अगेंस्ट है और जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट है। तो इसी पर आज सुनवाई होनी, ऑनरेबल कोर्ट जैसा फैसला देगा उस हिसाब से हमको रिपोर्ट आगे मिलेगी और फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।